तो अभी तक की क्लासेस में हमने देखा कि व्यू सीरियलाइजेबिलिटी की जरूरत क्या है, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी होता क्या है, और व्यू इक्विवेलेंस के बारे में समझा। आज हम देखने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई शेड्यूल गिवन है तो हम उसको टेस्ट करके चेक करेंगे, या कैसे टेस्ट करते हैं कि ये जो शेड्यूल है ये आपका व्यू सीरियलाइजेबल होगा या नहीं होगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स टू चेक व्यू सीरियलाइजेबिलिटी ऑफ अ शेड्यूल। तो हम टेस्ट करके देखेंगे व्यू सीरियलाइजेबिलिटी को, ठीक है? तो समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर पूछे कि इज दिस शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल, कोई भी एक शेड्यूल गिवन होगा, सपोज दैट एस है, इसके अंदर आपके शेड्यूल के अंदर डिफरेंट ट्रांजेक्शन है, लाइक T1, T2, T3, ठीक है? और इसके अंदर आपके पास डिफरेंट ऑपरेशंस या इंस्ट्रक्शंस होंगे, ठीक है? अब आपसे पूछा जा रहा है इज दिस शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल, ये जो शेड्यूल है वो व्यू सीरियलाइजेबल है क्या? तो सबसे पहले आपको क्या रखना है, देखो तीन पॉइंट्स आपको समझना है, ठीक है? एक एक पॉइंट को हम आराम से डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि व्यू सीरियलाइजेबिलिटी को हम टेस्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये समझो कि आपको कोई भी अगर शेड्यूल गिवन है और आपसे पूछा जाए व्यू सीरियलाइजेबल टेस्ट करना है, ठीक है, क्या ये व्यू सीरियलाइजेबल है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी चेक करना होता है। सबसे पहले क्या चेक करोगे, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। और आपको पता है कि अगर कोई शेड्यूल गिवन है और वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कब होगा, जब आप उसका प्रेसिडेंस ग्राफ बनाओगे, और जो प्रेसिडेंस ग्राफ है वो अगर ए साइक्लिक आता है, लूप नहीं बनता है, तो पक्का है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो इसका मतलब वो व्यू सीरियलाइजेबल भी है। आगे फर्दर कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल लिख देना है कि द शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, देन इट इज ऑल्सो व्यू सीरियलाइजेबल, जो कि आपने प्रूफ कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको पता है किसी भी शेड्यूल का कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल निकालने का तरीका क्या करते हो, आप शेड्यूल गिवन है उसका प्रेसिडेंस ग्राफ निकालोगे, अगर प्रेसिडेंस ग्राफ ए साइक्लिक आता है इसका मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो व्यू सीरियलाइजेबल भी होगा, तो फिनिश, ठीक है? आगे आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे स्टेप वन ये समझ में आया कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल चेक करना पड़ेगा, ठीक है? चेक करने का तरीका प्रेसिडेंस ग्राफ, अगर ए साइक्लिक आया तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, ठीक है? तो इफ द शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल देन इट इज ऑल्सो व्यू सीरियलाइजेबल, बिकॉज एवरी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल इज व्यू सीरियलाइजेबल। लेकिन ध्यान रखना, कन्वर्जन ट्रू नहीं है, व्यू सीरियलाइजेबल जरूरी है कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो पक्का है व्यू सीरियलाइजेबल होगा ही होगा। ये बात मुझे समझ में आ गई, स्टेप वन मुझे समझ में आ गया। तो सबसे पहले आप चेक करते हो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी के लिए, अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो ठीक है व्यू सीरियलाइजेबल भी होगा, स्टॉप, आप उसके बाद चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब बात यह आती है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं हुआ, इफ इट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, देन क्या चेक करना पड़ेगा, फर्स्ट चेक फॉर द ब्लाइंड राइट। अब आपको क्या देखना है, ब्लाइंड राइट चेक करना है, समझना मेरी बात को। और ब्लाइंड राइट क्या होता है, अगर कोई ट्रांजेक्शन बिना रीड किए राइट करे तो ब्लाइंड रीड राइट कहलाता है। फिर से समझो, जैसे कि अगर मान लो मेरे पास T1 ट्रांजेक्शन है, T2 है और T3 है, तीन ट्रांजेक्शन है, सपोज दैट यहां रीड ऑफ ए है, देन राइट ऑफ ए है, और यहां राइट ऑफ ए है, और यहां राइट ऑफ ए है, ठीक है? अब सॉरी, इसको मैं यहां राइट ऑफ ए करता हूं क्योंकि नॉन सीरियल शेड्यूल की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आप देखो यहां रीड हो रहा है और देन राइट हो रहा है, T1 में यहां राइट डायरेक्ट हो रहा है, कोई रीड ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हुआ, पहले कोई भी रीड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ, ठीक है? तो अगर कोई ट्रांजेक्शन बिना रीड किए राइट करता है तो उसको ब्लाइंड राइट बोलते हैं। तो ये देखो ब्लाइंड राइट है, इसमें भी देखो पहले कोई भी रीड नहीं हुआ, डायरेक्टली राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो अगर कोई ट्रांजेक्शन बिना रीड किए राइट करे तो ब्लाइंड राइट कहेंगे। तो यहां जो T2 है ये इसका जो राइट है ब्लाइंड राइट है, T3 का भी राइट ब्लाइंड राइट है, ठीक है? तो ये आपको ब्लाइंड राइट चेक करने का तरीका आपको पता हो गया, ठीक है? ब्लाइंड राइट मतलब अगर कोई ट्रांजेक्शन बिना रीड किए राइट करता है तो ब्लाइंड राइट होगा, ठीक है? तो अगर सबसे पहले आपने चेक किया कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी के लिए, अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो व्यू सीरियलाइजेबल होगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सेकेंड पॉइंट, अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है तो आगे आपको टेस्ट करना है, फिर क्या चेक करना है कि ब्लाइंड राइट है क्या, ठीक है? अब अगर ब्लाइंड राइट नहीं मिला, अब अगर ब्लाइंड राइट नहीं मिला, इफ द शेड्यूल इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ठीक है, और उसके बाद आपने जब चेक किया तो ब्लाइंड राइट नहीं मिला, तो इसका मतलब व्यू सीरियलाइजेबल नहीं होगा, तो
तो आपको फिर से स्टॉप कर देना है, फिर से समझो, अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं मिला तो आप क्या चेक करते हो, ब्लाइंड राइट के लिए, ठीक है। अगर ब्लाइंड राइट नहीं मिला तो आप सिंपल लिख दोगे कि ये जो शेड्यूल है इस शेड्यूल में कोई भी ब्लाइंड राइट नहीं है, इसका मतलब ये शेड्यूल आपका व्यू सीरियलाइजेबल नहीं होगा, तो आगे फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो यहां स्टॉप हो जाएगा। लेकिन सपोज दैट इफ द शेड्यूल इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल एंड इफ इट इज व्यू सीरियलाइजेबल, इट मीन्स द शेड्यूल शुड हैव एट लीस्ट वन ब्लाइंड राइट। अब अगर ब्लाइंड राइट मिल गया तो मुझे आगे फर्दर चेक करने की जरूरत पड़ेगी। अब आगे मुझे चेक करना पड़ेगा, तो स्टेप थ्री क्या होगा कि अगर ब्लाइंड राइट मिला तो आप क्या चेक करोगे, व्यू इक्विवेलेंस की, ठीक है। आप जो आपके पास टोटल पॉसिबिलिटीज हैं नॉन सीरियल के, सीरियल पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, जो भी आपका नॉन सीरियल शेड्यूल है उसके सीरियल पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे, हर पॉसिबिलिटीज के साथ हम क्या चेक करेंगे कि व्यू इक्विवेलेंस आ रहा है क्या। अगर किसी भी पॉसिबिलिटीज के साथ व्यू इक्विवेलेंस मिल जाएगा तो इसका मतलब वो व्यू सीरियलाइजेबल होगा। तो मुझे तीन पॉइंट समझ में आ गए, और व्यू इक्विवेलेंस मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया हुआ है, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं कि व्यू इक्विवेलेंस होता क्या है। तो मुझे अब देखो तीन चीजें समझ में आ गई। तीन चीजें क्या समझ में आई मुझे, तीन चीजें ये समझ में आई कि पहला मुझे क्या चेक करना है, फर्स्ट ये चेक करना है कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं। तो फर्स्ट वी चेक वेदर इट इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और नॉट, ठीक है, बिकॉज इफ इट इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल देन इट विल आल्सो बी व्यू सीरियलाइजेबल, ठीक है। तो जैसे ही अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल मिल गया तो व्यू सीरियलाइजेबल होगा, स्टॉप कर देंगे। सेकंड पॉइंट क्या चेक करना है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं मिला तो मुझे सेकंड पॉइंट पे जाना है। अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं मिला तो आपको कहां जाना है, सेकंड पॉइंट पे। तो अब चेक क्या करेंगे, इफ इट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल देन चेक फॉर ब्लाइंड राइट। वी फाउंड दैट इफ द शेड्यूल कंटेन्स ब्लाइंड राइट तब जाके चांसेस हैं कि वो व्यू सीरियलाइजेबल हो। फिर से समझो, अब मैं क्या चेक कर रहा हूं कि अगर मान लो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो मैं पहले स्टेप पे स्टॉप कर दिया। अब अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, ठीक है, तो मुझे क्या चेक करना है, ब्लाइंड राइट को। अब अगर ब्लाइंड राइट नहीं है तो इसका मतलब व्यू सीरियलाइजेबल नहीं होगा, आप स्टॉप कर दीजिए, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ब्लाइंड राइट मिल गया तो चांसेस हैं कि व्यू सीरियलाइजेबल हो सकता है। जरूरी नहीं है, ब्लाइंड राइट मिलने का मतलब ये नहीं हुआ कि अगर आपको ब्लाइंड राइट मिल गया तो कंफर्म नहीं हो गया कि आपका व्यू सीरियलाइजेबल होगा। लेकिन अगर ब्लाइंड राइट मिला तो आपको थर्ड स्टेप फॉलो करना है, स्टेप थ्री पे जाना है, और स्टेप थ्री क्या है, व्यू इक्विवेलेंसी चेक करने की। और व्यू इक्विवेलेंसी में अगर कोई सीरियल शेड्यूल के साथ इक्विवेलेंट मिल जाता है आपका तो इसका मतलब वो व्यू सीरियलाइजेबल है, और अगर नहीं मिलता है तो इसका मतलब व्यू सीरियलाइजेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बात मुझे समझ में आ गई कि अगर ब्लाइंड राइट नहीं है तो वी कैन सियोरली स्टेट दैट द शेड्यूल वुड नॉट बी व्यू सीरियलाइजेबल, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको समराइज करूं तो देखो, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल चेक वेदर द गिवन शेड्यूल इज नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। इफ द गिवन शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल means it precedence graph does not contain any loop or cycle, then the given schedule must be a view serializable. Stop and submit your final answer. आपको further check करने की जरूरत नहीं है. Second point, if the given schedule is non-conflict serializable, then it may or may not be view serializable. We cannot predict it just by using it concept of conflict serializable. So we need to look at the below cases. अब क्या करोगे? After performing the above step, you find the provided schedule is non-conflicting. ठीक है, सो यू नीड टू परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप, चेक फॉर ब्लाइंड राइट। और आपको ब्लाइंड राइट पता है क्या होता है, परफॉर्मिंग द राइटिंग ऑपरेशन विदाउट रीडिंग ऑपरेशन, सच राइट ऑपरेशन इज नोन एज ब्लाइंड राइट। इफ नो ब्लाइंड राइट एग्जिस्ट देन शेड्यूल मस्ट बी नॉन व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल, स्टॉप एंड सबमिट योर फाइनल आंसर। फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इफ देयर एग्जिस्ट एनी ब्लाइंड राइट देन इन दैट केस द शेड्यूल मे और मे नॉट बी व्यू सीरियलाइजेबल। So we need to look at the below cases, because if it does not contain any blind right, we can surely state that the schedule would not be view serializable. Lekin agar blind right hai, toh ho sakta hai ki wo view serializable ho. Toh agar ab kya hoga? If it is blind right, then there is a chance for view serializability. So you have to check it. Then check for view equivalence with the serial possibilities of the schedule.
और अगर किसी भी सीरियल पॉसिबिलिटीज से अगर व्यू इक्विवेलेंस मिलता है, इट मींस इट इज व्यू सीरियलाइजेबल, अदरवाइज इट इज नॉट अ व्यू सीरियलाइजेबल। अब आपको क्या करना पड़ता है, हर पॉसिबिलिटीज के साथ बार बार चेक करना पड़ता है, इसीलिए व्यू सीरियलाइजेबिलिटी आपका जो है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। तो अब मुझे पॉइंट्स पूरे क्लियर हो गए, ठीक है, और व्यू इक्विवेलेंस मैंने आपको समझाया था। व्यू इक्विवेलेंस में आप तीन रूल्स को चेक करते हो, अगर वो तीन रूल्स सेटिस्फाई होते हैं, जैसे कि पहला रूल क्या है, इनिशियल रीड सेम होना चाहिए, दूसरा इंटरमीडिएट रीड सेम होना चाहिए, और थर्ड फाइनल राइट सेम होना चाहिए। अगर ये तीनों रूल सेटिस्फाई करते हैं तो पक्का है वो आपका व्यू इक्विवेलेंस होगा, और अगर व्यू इक्विवेलेंस होगा तो व्यू सीरियलाइजेबल भी होगा। तो एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा शेड्यूल्स के टर्म में, जैसे S1 शेड्यूल गिवन है जिसमें आपके पास T1, T2, T3 ट्रांजेक्शन है, और ये आपका नॉन सीरियल शेड्यूल है, बट ऑब्वियस है सीरियलाइजेबिलिटी हम नॉन सीरियल शेड्यूल के लिए ही चेक करते हैं, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं, तो अगर आप देखो तो आपके पास शेड्यूल गिवन है, तो मेरे पास रूल क्या है, पहला रूल क्या है कि आपको चेक करना है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी के लिए। अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल आ जाता है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, वो व्यू सीरियलाइजेबल होगा। तो सबसे पहले तो मैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल चेक करूंगा, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी के लिए आप क्या करते हो, प्रेसिडेंस ग्राफ बनाते हो, ठीक है। तो कितने नोड्स हैं, देखो T1 है, T2 है, T3 है, जितने ट्रांजेक्शन होते हैं उतने नोड आप बना देते हो। तो आपने बनाया T1, T2 और T3, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है पिछले क्लासेस में, तो मैं आपको इसको बताता हूं फटाफट। जैसे अब देखो T1 में सबसे पहले रीड है, तो मैं T1 को T2 और T3 से चेक करूंगा, तो बट ऑब्वियस कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है, रीड है तो राइट है कॉन्फ्लिक्टिंग होगा, और इसका राइट है भी कॉन्फ्लिक्टिंग होगा। तो T1 से T2 की ओर डायरेक्टेड एज बनेगा, और T1 से T3 की ओर डायरेक्टेड एज बन जाएगा। यहां तो बात समझ में आ गई, ठीक है। अब उसके बाद आपका सेकंड राइट ए है, तो राइट ए से आपका T1 पे कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है और T3 पे कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है, तो बट ऑब्वियस T2 से T1 की ओर डायरेक्टेड एज बनेगा, तो T2 से T1 की ओर डायरेक्टेड एज बन गया, और T2 से T3 की ओर भी डायरेक्टेड एज बनेगा। उसके बाद इस राइट ऑपरेशन की हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसके नीचे T2 के पास तो कोई ऑपरेशन या इंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन इस राइट ऑपरेशन पे T3 का आपको एक राइट ऑपरेशन मिल रहा है जो कि अगेन कॉन्फ्लिक्टिंग है, ठीक है। तो आप T1 से T3 की ओर डायरेक्टेड एज बनाओगे, ऑलरेडी बना हुआ है तो ओवरलैपिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर आपका लास्ट में राइट ऑपरेशन है, इसके नीचे कोई भी ऑपरेशन नहीं है, ना ही T1 का ना ही T2 का, तो आगे फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका प्रेसिडेंस ग्राफ बन गया। अब मुझे दिख रहा है कि जो साइकिल है वो T1 से T2 एंड T2 से T1, ये क्या बना रहा है, साइकिल बना रहा है। T1 T2 T2 T1 ये आपका साइकिल फॉर्म कर रहा है, देखो साइकिल फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब इट इज नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। अब अगर एक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है तो मुझे अब आगे चेक करने की जरूरत है, क्या चेक करना है, ब्लाइंड राइट, ठीक है। अब अगर ब्लाइंड राइट नहीं मिला तो मैं स्टॉप कर दूंगा कि व्यू सीरियलाइजेबल नहीं होगा, लेकिन अगर ब्लाइंड राइट मिला तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आगे फर्दर देखूंगा, ये पहला स्टेप तो मेरा कंप्लीट हो गया कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, इसीलिए मुझे सेकंड स्टेप पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या बोलता है, अब ब्लाइंड राइट चेक करो। तो मुझे दिख रहा है जो T2 है वो बिना रीड किए राइट कर रहा है, देखो कोई रीड नहीं है और डायरेक्टली राइट कर रहा है। T3 भी बिना रीड किए राइट कर रहा है, तो क्या कहलाते हैं, ब्लाइंड राइट कहलाते हैं। ब्लाइंड राइट ऐसे ऑपरेशन हैं जिसमें आप क्या करते हो, बिना रीड किए राइट करते हो, ठीक है। बिना रीड किए आपने अगर राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया या अपडेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया तो उसको हम ब्लाइंड राइट कहते हैं। तो सेकंड जो आपका स्टेप है वो आपका कंफर्म हो गया, वैलिडेट हो गया कि आपके पास क्या है, ब्लाइंड राइट तो है, ये मुझे दिख रहा है कि ब्लाइंड राइट है। अब अगर ब्लाइंड राइट है तो पक्का है मुझे क्या करना पड़ेगा, थर्ड स्टेप को भी चेक करना पड़ेगा, व्यू इक्विवेलेंस चेक करना पड़ेगा। व्यू इक्विवेलेंस मैंने पिछली क्लास में ही समझाया था, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं।
व्यू इक्विवेलेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपके पास टोटल कितने ट्रांजेक्शन है, टी वन टी टू और टी थ्री, तो सबसे पहले इसका सीरियल इक्विवेलेंट आपको बनाने पड़ेंगे। कितने सीरियल शेड्यूल्स पॉसिबल हैं, तो कितने सीरियल शेड्यूल इसको इनके कॉम्बिनेशन से बनेंगे, इन ट्रांजेक्शन से, तो टोटल सिक्स, बिकॉज तीन शेड्यूल्स हैं तो फैक्टोरियल सॉरी तीन ट्रांजेक्शन है तो फैक्टोरियल थ्री वेज होंगे सीरियल शेड्यूल्स के, या फैक्टोरियल तीन तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनका सीरियल शेड्यूल कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो आपका जो सीरियल शेड्यूल आएगा वो क्या आएगा, T1 पहले एग्जीक्यूट कर दो, देन T2, देन T3, फिर T1 पहले एग्जीक्यूट कर दो, देन T3 का कॉम्बिनेशन ले लो, देन T2, फिर T2 की बात करें, T2 पहले एग्जीक्यूट कर देते हैं, देन T1, देन T3, फिर T2 की बात करते हैं, देन T3 की बात करते हैं, देन T1, ये चार पॉसिबिलिटीज हो गए सीरियल शेड्यूल की। देन T3 एग्जीक्यूट पहले हो जाएगा, देन T2, देन T1, और फिर आपका T3, देन T1 और T2, ये आपके पास टोटल सिक्स पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। इन सिक्स पॉसिबिलिटीज में से किसी भी पॉसिबिलिटीज में अगर आपका इक्विवेलेंसी आ जाती है तो इसका मतलब यू सीरियलाइजेबिलिटी है, ठीक है। तो मुझे यहां दिख गया कि इस शेड्यूल में तीन ट्रांजेक्शन थे तो टोटल पॉसिबिलिटीज सिक्स हैं, T1, T2, T3, T1, T3, T2, T2, T1, T3, T2, T3, T1, T3, T2, T1, T3, T2, T1, T3, T1, T2, 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 ओके। हर पॉसिबिलिटी इसके साथ आपको चेक करना है एक एक करके, ठीक है। तो अब क्या होगा नॉन सीरियल शेड्यूल के साथ, ये जो नॉन सीरियल शेड्यूल है उसके साथ इनके सीरियल पॉसिबिलिटीज के साथ आप क्या चेक करोगे, व्यू इक्विवेलेंसी, ठीक है। अगर आपके जो व्यू इक्विवेलेंसी के तीन कंडीशन हैं, अगर वो तीनों सेटिस्फाई होते हैं किसी भी पॉसिबिलिटीज के साथ, ठीक है, तो आपका क्या होगा, व्यू सीरियलाइजेबल होगा। वो तीन आपके जो रूल्स हैं वो क्या है, इनिशियल रीड सेम होना चाहिए दोनों शेड्यूल्स में, इंटरमीडिएट रीड सेम होना चाहिए दोनों शेड्यूल में, और फाइनल राइट सेम होना चाहिए दोनों शेड्यूल में, ठीक है। तो अब थर्ड हम बात करते हैं हमारे थर्ड स्टेप की। तो थर्ड स्टेप में आप देखो क्या करोगे, मैंने सबसे पहला टी वन टी टू टी थ्री जो पॉसिबिलिटी है उसको लिया हुआ है, ठीक है। तो S1 शेड्यूल ये हो गया, और S2 शेड्यूल हम इस कहना चाहिए इस पॉसिबिलिटी में बनाएंगे, मतलब पहले T1 एग्जीक्यूट होगा, देन T2 एग्जीक्यूट होगा, देन T3। अब अगर पहले T1 एग्जीक्यूट होगा तो बट ऑब्वियस इसका जो पूरा ऑपरेशन है उसको एक साथ लिख दो, क्योंकि T1 पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन आप T2 का ऑपरेशन लिखो, देन T3 का लिखो। तो एक आपका नॉन सीरियल शेड्यूल हो गया ये देखो, ठीक है। और इसका पहला जो पॉसिबिलिटी है T1 T2 T3 सीरियल पॉसिबिलिटी, ये मैंने लिख दिया S2 में। तो पहले देखो T1 पूरा एग्जीक्यूट हो रहा है, देन T2, देन T3। अब अगर S1 और S2 व्यू इक्विवेलेंस होंगे तो पक्का है व्यू सीरियलाइजेबल होगा, ठीक है। तो अब समझते हैं, तो पहला रूल है बोलता है व्यू इक्विवेलेंसी का कि आपका जो इनिशियल रीड होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। इनिशियल रीड मतलब सबसे पहला जो रीड परफॉर्म हो रहा है। अब यहां चेक करो S1 में डेटा कौन सा है, तो केवल ए डेटा है, ऑब्जेक्ट केवल ए है या डेटा ए है, ठीक है। तो ए पे देखो इनिशियल रीड सबसे पहले कौन सा ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो टी वन में सॉरी एस वन में टी वन जो है वो सबसे पहले इनिशियल रीड परफॉर्म कर रहा है। देखो ए इनिशियल रीड टी वन परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे दिख गया कि इनिशियल रीड जो है वो टी वन परफॉर्म कर रहा है एस वन में, ठीक है। यहां देखें तो यहां भी टी वन इनिशियल रीड परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। डेटा तो यही होगा केवल, क्योंकि एस वन जो है नॉन सीरियल है, इसी का इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल है, ये पहली पॉसिबिलिटी। ऐसे करके मुझे सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है, जब तक कि कोई पॉसिबिलिटी का इक्विवेलेंस ना मिल जाए, ठीक है। पूरे में नहीं मिलेगा इसका मतलब व्यू सीरियलाइजेबल नहीं है। चलिए तो यहां देखा मैंने इनिशियल रीड जो है S1 में वो A को कौन कर रहा है, T1 कर रहा है, T1 इनिशियल रीड परफॉर्म कर रहा है। S2 में भी T1 इनिशियल रीड परफॉर्म कर रहा है, तो पहला रूल एट बोलता है कि इनिशियल रीड सेम होना चाहिए, तो यहां इनिशियल रीड सेम है तो ये आपका पहला कंडीशन होल्ड्स ट्रू है, ठीक है। पहला कंडीशन आपका ट्रू है, इक्विवेलेंसी की पहले कंडीशन ट्रू हो गई। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, सेकंड कंडीशन ये बोलता है इंटरमीडिएट रीड अगर है तो सेम होने चाहिए। अब यहां इनिशियल रीड केवल दिख रहा है मुझे, बाकी कोई भी उसके बाद कोई रीड है ही नहीं, कोई भी रीड नहीं है, इसका मतलब इंटरमीडिएट रीड दोनों में ही नहीं है, तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब वो होल्ड्स ट्रू है, क्योंकि है ही नहीं तो चेक करने की जरूरत नहीं है। थर्ड कंडीशन ये बोलता है कि जो फाइनल राइट होना चाहिए वो सेम ट्रांजेक्शन के थ्रू होना चाहिए दोनों शेड्यूल्स में।
S1 और S2 में फाइनल राइट सेम शेड्यूल्स के साथ होना चाहिए। यहां अगर देखो तो फाइनल राइट कौन सा, ये वाला, ये किसके थ्रू हो रहा है, T3 के थ्रू। तो T3 यहां फाइनल राइट परफॉर्म कर रहा है, समझना मेरी बात को। तो S2 में भी फाइनल राइट T3 ही करे। देखो यहां फाइनल राइट आपका फाइनल राइट यही है और इसको कौन परफॉर्म कर रहा है, T3। तो बट ऑब्वियस है दोनों ही शेड्यूल में फाइनल राइट T3 परफॉर्म कर रहा है, दोनों ही शेड्यूल में इनिशियल रीड T1 परफॉर्म कर रहा है। तो इसके आपके सारे कंडीशन ट्रू हो रहे हैं। पहला रीड का कंडीशन ट्रू हो गया, इंटरमीडिएट रीड कोई था नहीं तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, और फाइनल राइट T3 परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब इसके सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। और अगर सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, व्यू इक्विवेलेंस होगा। इसका मतलब ये व्यू इक्विवेलेंस होगा। क्यों क्यों व्यू इक्विवेलेंस होगा, क्योंकि यहां जो इक्विवेलेंट शेड्यूल है वो सीरियल ही है। देखो जो इक्विवेलेंट शेड्यूल आपने जिससे चेक किया है वो सीरियल ही है, इसलिए व्यू सीरियलाइजेबल होगा। अगर व्यू इक्विवेलेंस होगा तो पक्का है वो किसके थ्रू व्यू इक्विवेलेंस होगा, किसी सीरियल इक्विवेलेंट के थ्रू। और सीरियल इक्विवेलेंट के थ्रू अगर ये आपका व्यू इक्विवेलेंस हो गया तो इसका मतलब व्यू सीरियलाइजेबल है। और सीरियल इक्विवेलेंट आपको क्या मिल गया, T1, T2 और T3। अब आप क्या करोगे, यही स्टॉप कर दोगे, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। मतलब आगे किसी भी पॉसिबिलिटीज के साथ आपको चेक करने की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि आपको व्यू इक्विवेलेंस मिल गया, मतलब व्यू सीरियलाइजेबल है, एक भी मिल गया तो आपका काम हो गया। तो कुछ ऐसे हम चेक करते हैं व्यू सीरियलाइजेबिलिटी को, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखो तो आपके पास क्वेश्चन ऐसा भी दिया जा सकता है जिसमें आपके पास शेड्यूल गिवन हो और आपको बोला जाए सबसे पहले क्या परफॉर्म कर रहे हो, आप देखो रीड ऑफ ए परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, देन आप परफॉर्म कर रहे हो राइट ऑफ ए, देन रीड ऑफ ए, राइट ऑफ ए और राइट ऑफ ए। तो इसके थ्रू आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है, आपको शेड्यूल ड्रॉ करना पड़ता है। तो देखो शेड्यूल ड्रॉ करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। अब आप यहां देखो रीड वन, इसका मतलब T1 की बात कर रहा है, राइट टू मतलब T2 की बात कर रहा है, राइट रीड थ्री तो T3 की बात हो रही है, राइट वन T1 की, राइट थ्री मतलब T3 की। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज आ रही है ट्रांजेक्शन की, तीन, T1, T2, T3। तो मैं सबसे पहले तीन ट्रांजेक्शन बनाऊंगा, T1, देन बनाऊंगा T2, देन बनाऊंगा T3, ठीक है। अब आप यहां देखो रीड ऑफ वन ए, सबसे पहले रीड जो है वो वन का हो रहा है, मतलब T1 का, तो आप यहां लिख दोगे रीड ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद राइट किसका परफॉर्म हो रहा है, T2 का, टू से समझो तो T2 का, तो राइट ऑफ ए यहां लिख देना है आपको, ठीक है। उसके बाद रीड ए का परफॉर्म हो रहा है, लेकिन किसका, थ्री का, T3 का, क्योंकि थ्री लिखा हुआ है, तो रीड यहां लिख दो। ऐसे आप शेड्यूल ड्रॉ करते हो, शेड्यूल बनाने का तरीका ये है, ठीक है। उसके बाद राइट वन का हो रहा है, तो वन का मतलब T1 का, तो अब आपका राइट ए ऐसा परफॉर्म होगा T1 का, देन राइट आपका T3 का परफॉर्म हो रहा है, तो राइट आपका T3 का परफॉर्म होगा। ये आपका तरीका हुआ क्या ड्रॉ करने का, शेड्यूल ड्रॉ करने का। तो अगर आपके पास इस फॉर्म में आपके पास सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस या ऑपरेशंस गिवन हो तो आप ऐसे शेड्यूल ड्रॉ कर सकते हो। तो पहले सबसे पहले तो आप शेड्यूल ड्रॉ कर लो, तो ये आपका नॉन सीरियल शेड्यूल आ जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है इज द शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल, तो फिर से वही कहानी। तो देखो मैंने यहां शेड्यूल ड्रॉ कर लिया, कुछ यही आपका शेड्यूल आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी अगर मैं चेक करूंगा तो एक कुछ ऐसा प्रेसिडेंस ग्राफ आएगा, मैं ड्रॉ करके बताता हूं। T1, T2, T3, आपके पास तीन वर्टेक्स हैं या नोड्स हैं, दैट इज T1, T2 एंड T3, ठीक है। अब जब आप प्रेसिडेंस ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये आपका प्रेसिडेंस ग्राफ कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, फिर T2 से T3। तो अगर आप देखो तो साइकिल बन रहा है यहां, T1, T2, T1, ये साइकिल बन रहा है, T1 से T2 और T1, ये आपका साइकिल बन गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां भी साइकिल बन रहा है, T1 टू T3, देन T3 टू T1, तो T1, T3, T1 भी साइकिल बन रहा है। इसका मतलब ये आपका कैसा है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, इट इज नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, सेकंड कंडीशन, आपको सेकंड कंडीशन चेक करना है कि ब्लाइंड राइट तो नहीं है, चेक करो। अगर ब्लाइंड राइट होगा तो मुझे आगे फर्दर चेक करना पड़ेगा।
तो मुझे देखिए यहाँ ब्लाइंड राइट है, दिख रहा है मुझे, ठीक है, बिना रीड किए राइट हो रहा है, बिना रीड किए राइट हो रहा है, तो ब्लाइंड राइट भी है। तो बट ऑब्वियस है, अब कितने आपके पास ट्रांजेक्शन्स हैं, T1, T2, T3, तो अब आपको व्यू इक्विवेलेंस चेक करना पड़ेगा। ब्लाइंड राइट है तो व्यू इक्विवेलेंस चेक करो, ठीक है। तो अगर T1, T2, T3 होगा तो बट ऑब्वियस है पॉसिबिलिटीज यही होंगे, ठीक है, सारी पॉसिबिलिटीज यही होगी, यही पॉसिबिलिटीज होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पहली पॉसिबिलिटी चेक करूंगा, T1, T2, T3, ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी अगर मैं चेक करूंगा तो T1 को पहले एग्जीक्यूट करूंगा तो रीड और राइट एक साथ हो जाएंगे, देन T2 होगा, देन T3 होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं, तो मैंने क्या किया, S1 है और S1 का AS2 ले लेता हूं, ठीक है, AS2 है, ठीक है, चलो मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, इसका मैं S2 ले लूं, और S1 का जो S2 है वो कौन सा कॉम्बिनेशन चेक हो रहा है, T1, T2, T3। अगर यहां व्यू इक्विवेलेंस मुझे मिल जाता है, अब T1 का देखो पूरा ऑपरेशन मैंने पहले लिख दिया, देन T2 का, देन T3 का पूरा ऑपरेशन एक साथ लिख दिया, मतलब पहले T1 एग्जीक्यूट होगा, देन T2, देन T3। अब अगर जो S1 है, जो नॉन सीरियल शेड्यूल है, अपने सीरियल इक्विवेलेंट के अगर व्यू इक्विवेलेंस हो जाता है, अपने सीरियल इक्विवेलेंट के अगर व्यू इक्विवेलेंस मैच कर जाता है, कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है, इसका मतलब ये व्यू इक्विवेलेंस होगा, ठीक है। और अगर व्यू इक्विवेलेंस होगा तो व्यू सीरियलाइजेबल भी होगा, चेक करते हैं, तीनों कंडीशन चेक करते हैं। तो मैंने आपको बताया था पहला कंडीशन क्या चेक करोगे, पहला कंडीशन मुझे चेक करना है कि इनिशियल जो रीड है, अब यहां डेटा केवल एक ही है ए, ठीक है, तो इनिशियल रीड में ए का देखूंगा, तो यहां इनिशियल रीड T1 कर रहा है देखो, ठीक है, और S2 में भी इनिशियल रीड T1 ही कर रहा है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब इंटरमीडिएट रीड की बात करेंगे, यहां जो इंटरमीडिएट रीड है अगर उसका एडजेसेंट राइट देखूं तो कुछ ऐसा है, T2 जो राइट कर रहा है उसी को रीड कर रहा है T3, ठीक है। इंटरमीडिएट रीड का मतलब जो इनिशियल रीड के बाद जितने भी रीड मिले वो इंटरमीडिएट रीड है, ठीक है। तो यहां ये आपका इनिशियल रीड तो आपने देख लिया, T1 कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ही शेड्यूल में, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब इंटरमीडिएट रीड यहां देखो T3 कर रहा है, ठीक है, और किस वैल्यू को रीड कर रहा है, जिसको T2 राइट कर रहा है, ठीक है, तो सेम S2 में भी होना चाहिए, इंटरमीडिएट रीड सेम होना चाहिए। तो यहां अगर देखो तो यहां भी आपका जो T3 है वो इंटरमीडिएट रीड कर रहा है, यहां भी T3 इंटरमीडिएट रीड कर रहा है जिसको T2 ने लिखा हुआ है, ठीक है, यहां भी इंटरमीडिएट रीड T3 कर रहा है जिसको T2 ने लिखा हुआ है, यही एडजेसेंट है, एडजेसेंट राइट देखते हैं हम, ठीक है, तो इसका मतलब दूसरा कंडीशन भी ट्रू है। थर्ड बात करते हैं फाइनल राइट की, तो अगर मैं फाइनल राइट की बात करूं तो यहां फाइनल राइट जो है वो T3 परफॉर्म कर रहा है, फाइनल राइट T3 परफॉर्म कर रहा है, और यहां भी अगर आप देखो तो जो फाइनल राइट है वो T3 ही परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब तीनों कंडीशन आपके क्या हैं, होल्ड, तीनों कंडीशंस होल्ड कर रहे हैं या तीनों कंडीशन ट्रू हैं, ठीक है। और यहां जो S1 का इक्विवेलेंट शेड्यूल है वो कैसा है, सीरियल है, देखो सीरियल को ही हम चेक करते हैं ना कि इक्विवेलेंट है कि नहीं, तो सीरियल है, इसीलिए ये व्यू सीरियलाइजेबल भी होगा, बिकॉज जो इक्विवेलेंट शेड्यूल है वो सीरियल है, और किस इक्विवेलेंट शेड्यूल के व्यू सीरियलाइजेबल है, T1, T2, T3। तो आगे फर्दर कोई कॉम्बिनेशन चेक करने की जरूरत नहीं है, ये जो शेड्यूल है वो व्यू सीरियलाइजेबल होगा। तो मुझे लगता है कि अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम व्यू सीरियलाइजेबल निकालते हैं। थैंक यू।